नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। सैकड़ों औषधि पौधे एक ही परिसर में, वह भी किसी जमाने में बंजर जमीन की पहचान रखने वाले इलाके में। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल क्षेत्र कुसमी के आदिवासी कन्या परिसर में लगे औषधि पेड़ों की। भारत में प्राचीन काल से ही लोग पेड़ पौधों से इलाज करते चले आ रहे हैं। हर वह व्यक्ति जिसे उन पेड़ों के गुण के बारे में पता है, वह इलाज के लिए उनका इस्तेमाल करता है। आज के आधुनिक परिवेश में भी, खासतौर से कोरोना वायरस संक्रमण काल में, इन औषधि पेड़ों के पत्ते फल जड़ों का इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए करते रहे हैं। हमारे देश के किचन में भी इस्तेमाल होने वाले मसाले औषधि गुण रखते हैं। इसी से प्रेरणा लेकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुसमी छात्रावास परिसर में बंजर पड़ी लगभग 2.5 एकड़ जमीन में श्रीनिवास द्विवेदी द्वारा लगभग 700 पेड़ लगा दिए गए और नाम दे दिया तमन्ना वाटिका। बंजर जमीन को औषधि पेड़ों से हरा भरा बनाने वाले सीओ जनपद कुसमी श्रीनिवास द्विवेदी से हमने बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। इस कन्या परिसर को बागवानी के रूप में तैयार किए हैं, जबकि बहुत ही औषधि उपयुक्त पौधे जिनकी सीधी जिले में मैं पहली बार देखा कि लगभग यहाँ दिख रहे हैं औषधि पौधे। क्या किस उद्देश्य के साथ यह अभियान शुरू किए? क्या है कि हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। लोग गांव में इतने औषधि पेड़ पुराने ज़माने में पाए जाते थे, वहीं से लोग इलाज करते थे। कुसमी आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में गांव में तमाम औषधि पेड़ हैं, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है। तो लोगों को वहाँ जागरूक करने के लिए कि हमारे संस्कृति में, हमारे प्रदेश में, देश में, गाँव में ऐसे पेड़ हैं जिनसे आज भी वो स्वयं सिद्ध पेड़ हैं, उनसे इलाज भी होता है, उनसे वातावरण भी मतलब बदलता है। तो इसलिए मैंने एक प्रयास करके यह अभियान कब से शुरू किया गया सर? ये लगभग 6 साल से चल रहा अभियान। जहाँ तक मुझे मालूम है कि पूरे पथरीली ज़मीन थी। हाँ, और इसको उपजाऊ ज़मीन कैसे बना दिया? ये पथरीली ज़मीन थी, तो पत्थर तोड़वा करके पत्थर फेंकवाया गया, सैकड़ों गाड़ी मिट्टी खाद डाल करके इसको तैयार किया, जिससे ये आज आप जो हरा भरा देख रहे हैं, ये मैंने प्रयास किया। सबसे बड़ी जानकारी जो मिली कि आप यह बिना शासकीय मद से, जन सहयोग से, स्वयं के प्रेरणा से यह काम कराए हैं, और काफ़ी दूर से महंगे जो औषधि पौधे दिख रहे हैं काफ़ी महंगे हैं, इसके बाद भी आपने यह पूरा बगिया सजा दिए 2.5 एकड़ के ज़मीन में, क्या मानते हैं? ये सब जन सहयोग से हुआ, क्षेत्रीय विधायक जी का कृपा रही, मार्गदर्शन रहता है, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अंसारी जी, सब लोग जो हमारे स्टाफ लोग जो भी बाहर जाता था छुट्टी में या कहीं घूमने फिरने, उनसे मैं ये कहता था कि जब भी लौट के आओ 2-4 पेड़ लेके आना। पब्लिक से भी कांटेक्ट करता था कि भाई आप जा रहे हो बाहर तो मेरी पेड़ लेके आना, तो लोग बाग मुझसे जुड़े थे और वो इसी उद्देश्य से वो बाहर से पेड़ ला देते गए और उनको मैं इस कैंपस में, इस परिसर में लगाता गया। और क्या लगता होगा सुबह जब आप निकलते होंगे तो मन प्रफुल्लित हो जाता होगा हरी भरी बगिया? अब हो गया, प्रकृति से लगाव है, पर्यावरण से मेरा ज़्यादा लगाव था, तो मैं सब सुबह उठो तमाम तरह के पक्षियाँ जो कभी दिखते नहीं थे, मतलब पक्षी, भौंरे, तितलियाँ, सब का डेरा रहता है और बड़ा आनंद आता है। बैठ जाओ, चिंतन करो, सोचो, और सभी को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। सर, आप इस बगिया में कई पौधे देख रहे हैं, आपके माध्यम से भी यह प्रयास किया गया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर ए एच अंसारी, मैं रिटायर्ड विकास कम शिक्षा अधिकारी प्राचार्य रहा कुसमी हायर सेकेंडरी स्कूल में। और ये बगिया जो आप देख रहे हैं, ये द्विवेदी साहब सीओ जो हैं उनके सतत मेहनत और परिश्रम का ये परिणाम है जो आज आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं गवाह हूँ इसका कि ये धरती जो है बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी और इस बंजर धरती को उनने उपजाऊ किस तरह से बनवाया। पथरीली ज़मीन थी, पत्थरों को तोड़वाया, इसके बाद पता नहीं कितने ट्रक मिट्टी, ट्रैक्टरों में मिट्टी और उसमें गोबर खाद ले आके तरह तरह से उनने कंटेक्ट करके लोगों के सहयोग से इसमें डलवाया। मतलब कोई शासकीय राशि का उपयोग इसमें नहीं किया गया? शासकीय राशि का उपयोग नहीं हो रहा है इसमें, ये उनकी व्यक्तिगत रुचि है और कुदरत से जुड़ने के लिए उन्हें एक अपना इसको एक माध्यम बनाया है। और जब भी जो लोग आते हैं इसको देखते हैं, कोई भी देखता है, नेचर से जुड़ने में आदमी हमेशा प्रसन्न होता है। और इस बगिया का नाम उन्होंने तमन्ना वाटिका रखा है
और इस तमन्ना वाटिका के फूलों को जब मैंने देखा तो मेरे हृदय में एक उद्गार उठा और उसी पर मैंने एक कविता लिख दिया है जी। तमन्ना वाटिका बहुत लंबी कविता लिखा है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा उसको जी, देख लीजिएगा आप पढ़ेंगे उसमें। एक दो लाइन तो बता दें, दो लाइन, दो लाइन क्या, दो चार लाइन बताता हूँ मैं शुरुआत की उसकी। बंजर पड़ी थी गांव के एक छोर अकेली, संगी नहीं कोई रहा कोई न सहेली, सोची थी कि तकदीर ये बदलेगी एक दिन, कटते गए जमाने में तकती थी दिन ब दिन। ठीक है, धन्यवाद जी। तो इसके बाद आप का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, लगातार आप जी बने हुए हैं बराबर। लगता है कि ये इस तरह का अभियान अन्य जगह भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब, और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो हैं जहाँ पर हैं प्रकृति से जुड़ने के लिए, बच्चों का जुड़ाव के लिए, स्पेशली शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं वहाँ पर तो ये होना ही होना चाहिए। और सरकार की जो इम्पोर्टेंट, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसमें इसको जोड़ा जाना चाहिए हर स्कूल में। हालांकि है ये हर स्कूल में, लेकिन कहीं किसी चीज़ की कुछ कमी रहती है तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन शासन के तरफ से हमारी आवाज़ अगर शासन तक पहुंच जाए जी जी बिल्कुल, ये नहीं आपका ये बहुत अच्छा अभियान कि इसको इस तरह के बगिया को अभियान के तहत जोड़ा जाए, जैसे अन्य अभियान के रूप में हर शैक्षणिक संस्था जो है उसमें जोड़ा जाए इसको, और इस तरह से ये इसको विकसित किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ी कम से कम प्रकृति से जुड़ी रहेगी, ये बहुत बड़ी बात।